गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट ऑफ एमएससी। हमारा बायोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द मिसफोल्डिंग डिसीजेस। एंड मिसफोल्डिंग डिसीजेस में हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी, यानी कि हमारी इसकी अब तक प्रीवियस टू क्लासेस हो चुकी हैं, और उन क्लासेस में हमने मिसफोल्डिंग डिसीजेस के बारे में स्टडी जनरली किया है। तो अब तक की जो क्लासेस थी उन क्लासेस में हम मिसफोल्डिंग डिसीजेस में डायबिटीज मिलर्स, या जिसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, अल्जाइमर एंड टाउ प्रोटीन डिसीज, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं पार्किंसोनिज्म डिसीज के बारे में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी तक हमने जो जनरल स्टडी की है प्रोटीन मिसफोल्डिंग में, तो होता क्या है कि जब भी कोई प्रोटीन अपने नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में नहीं आ पाती, इट मींस वो क्या हो जाती है, इट्स विल बी इन अ मिसफोल्डिंग वे। अब मिसफोल्डिंग वे में वो क्या करती है, वो एग्रीगेट्स बनाती है। क्या बनाती है? एग्रीगेट्स बनाती है। और एग्रीगेट्स कहाँ बनाती है? या तो पर्टिकुलर सेल होगी, पर्टिकुलर ऑर्गन होगा, वहां पर वो एग्रीगेट बनाती है। और वो एग्रीगेट क्या करते हैं, धीरे धीरे उस सेल को क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेट होकर डिग्रीगेट कर देते हैं और डिजीजेस कॉजेस कर देते हैं। जनरली जब मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स होती हैं तो जो बनते हैं वो क्या बनेंगे, एमाइलॉइड फाइब्रिल्स बनते हैं, यानी कि जो बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं वो बीटा प्लीटेड शीट, यानी कि जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन होती हैं उनकी जो बीटा प्लीटेड शीट वाला जो रीजन होता है वो आपस में सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम न्यूक्लिएशन कहते हैं। एंड ड्यू टू दीज न्यूक्लिएशन दे फॉर्म द एमाइलॉइड फाइब्रिल्स, एंड दीज एमाइलॉइड फाइब्रिल्स आर एग्रीगेटेड ऑन इंट्रासेलुलरली आइदर एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हम हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक जनरली हमने जो बात करी थी कि जो प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो रही है वो किससे बात रिलेट करके पड़ी, कि जो बीटा प्लीटेड शीट होती है उससे। अब यहां हम जो डिसीज आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द पार्किंसन डिसीज। हमने टाउ प्रोटीन के थ्रू जो डिसीज स्टडी की थी दैट इज द पार्किंसोनिज्म, वो कौन सी थी, पार्किंसोनिज्म थी। अगर हम उसके इन्फेक्शन में या हम बात करें उसके फीचर्स जनरली बोले, कॉजिंग के बोले, तो वो रिलेट करते हैं पार्किंसन डिसीज से, बट इट इज टोटली डिफरेंट विद द पार्किंसन डिसीज, दैट इज द पार्किंसोनिज्म। और अब हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज द पार्किंसन डिसीज। तो पार्किंसन डिसीज इज ऑल्सो अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज, ये भी कैसी है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज है। और बट ये कहां होती है, द कंडीशन इन्वॉल्व इंट्रासेलुलरली एग्रीगेशन ऑफ मिसफोल्डिंग प्रोटीन। यानी कि अभी तक हमने जैसे जनरली अगर हमने अल्जाइमर डिसीज की बात करी, या हमने किसकी बात करी थी, टाउ प्रोटीन डिसीज की बात करी थी, तो वो क्या कर रहा था, जो सेल है उस सेल के आउटर साइडली क्या कर रहा था, एग्रीगेट कर रहा था। लेकिन पार्किंसोनिज्म जो डिसीज होती है, उस पार्किंसोनिज्म डिसीज में क्या होता है, जो भी एमाइलॉइड फाइब्रिल्स, यानी कि यहां पर जो फाइब्रिल्स बन रहे हैं या एग्रीगेट्स जो बन रहे हैं, वो एग्रीगेट्स कहां बनते हैं, इंट्रासेलुलरी, जो न्यूरॉन होते हैं उस सेल में इंटरनली बनते हैं। इन पार्किंसन डिसीजेज द मिसफोल्डिंग फॉर्म ऑफ द प्रोटीन अल्फा सिल्यूलिनिक। अब यहां पर जो डिसीज कॉजेज होती है वो किसकी वजह से होती है, अल्फा सिन्यूक्लीन डिसीज की वजह से। क्या एक जनरल प्रोटीन होता है जो कहां प्रेजेंट होता है, न्यूरिन में प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूरल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका जो फंक्शन है, मतलब जनरली इसका फंक्शन अननोन है, बट जनरली ये माना जाता है कि इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ सिनेप्टिकल वेसिकल, कि इसका सिनेप्स जो ट्रांसमिशन होता है उसमें फंक्शन होता है। तो बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट है अल्फा सिन्यूक्लीन, एंड ड्यू टू द दिस मिसफोल्डिंग ऑफ दिस प्रोटीन द डिसीज कॉजेज पार्किंसन डिसीज। तो पार्किंसन डिसीज किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन अल्फा सिन्यूक्लीन, किसकी वजह से होती है, अल्फा सिन्यूक्लीन की होती है। और फिर जनरली क्या करता है, ये जो अल्फा सिन्यूक्लीन होता है ये एग्रीगेट करता है इनटू स्फेरिकल फिलामेंटस मास कॉल्ड एज लिवाइस बॉडी। तो ये जो अल्फा सिन्यूक्लीन होती है ये क्या होती है, जो सेल होती है, ये जो सपोज करो सेल है, तो सेल में ये क्या करती है, ये स्फेरिकल मास में, यानी कि फिलामेंटस स्फेरिकल मास में एग्रीगेट्स हो जाती है। और इन एग्रीगेट जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं लिवाई बॉडीज,
इनको हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, दैट इज द लिवाई बॉडीज। तो ये इंट्रा सेलुलरली सेल के इनसाइडली क्या बनाती है, फिलामेंटस मास बनाती है, जिन्हें हम बोलते हैं लिवाई बॉडी। तो पार्किंसन जो डिसीज होती है वो किसकी वजह से हो रही है, अल्फा सिनुक्लिन की वजह से। तो अभी तक जैसे हमने अल्जाइमर या टाउ प्रोटीन डिसीज जो बात करी थी वो किसकी वजह से थी, बीटा या एमेलॉइड बीटा की वजह से, ठीक है। सो अब इसकी वजह से क्या होता है जनरली कि जो क्या होगा, ये रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ सिनेप्टिकल वेसिकल, यानी कि जो सिनेप्स के बीच ट्रांजेक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है। तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा और ये क्या कॉजेस करता है, डिसीजेस कॉज कर देता है। सो इट इज ऑल्सो अ न्यूरो लॉजिकल डिसऑर्डर एंड कैटेगराइज्ड बाय द मोटर सिम्टम्स, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, जो मोटर सिम्टम्स होते हैं वो इनरेगुलेट हो जाते हैं और क्या कॉजेस कर देते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, हाइपोनेसिया और हम क्या कहते हैं, टर्मल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। कि अगर हम बात करते हैं जैसे मसल्स के कॉन्ट्रेक्शंस वगैरह में क्या होगा, जो न्यूरल ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस वगैरह रिलेट कर जाएगा। तो पार्किंसन जो डिसीज है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन अल्फा सिनुक्लिन के जो मिसफोल्डिंग होने से होती है और ये जनरली कहाँ होती है, इंट्रा सेलुलरली होगी और क्या फॉर्म्ड करती है, लिवाइज बॉडीज फॉर्म्ड करती है। अब नेक्स्ट अगर हम डिसीज की बात करते हैं, दैट इज द हंटिंगटन डिसीज। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज आती है दैट इज द हंटिंगटन डिसीज। अगर हम हंटिंगटन डिसीज के बारे में अगर जनरली बात करते हैं तो ये क्या होती है, दिस डिसीज इज कॉजेस ड्यू टू द, अगर हम इस डिसीज की बात कर रहे हैं, सो दिस डिसीज इज कॉजेस ड्यू टू द म्यूटेशन। ये किस वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से होती है और म्यूटेशन किस में होता है, जो हंटिंगटिंग प्रोटीन है उसमें क्या होगा, इसमें इट इन्वॉल्व द प्रोटीन हंटिंगटिंग विच हैज अ लॉन्ग पॉलीग्लूटामाइन रिपीट्स। नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द हंटिंगटिंग, और ये हंटिंगटिंग जो प्रोटीन होता है इसमें ये किससे बना होता है, लॉन्ग चेन होती है पॉलीग्लूटामाइन की, किसकी होती है कि लॉन्ग चेन है पॉलीग्लूटामाइन की, जिसमें क्या होते हैं सीएजी रिपीट्स होते हैं। नॉर्मली कंडीशन में क्या होती है कि जो हंटिंगटन, अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हंटिंगटिंग प्रोटीन में क्या होती है, पॉलीग्लूटामाइन प्रेजेंट है, पॉलीग्लूटामाइन के रिपीटेड होते हैं। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीजेज है, तो यानी कि हेरिटेबल डिसीजेज है। जो हंटिंगटन डिसीज है ये क्या है, हेरिटेबल डिसीजेज है, यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं, जेनेटिकली क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो रही है। किसमें होती है, जो प्रोटीन है हंटिंगटिंग उसमें जेनेटिकल म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। अब म्यूटेशन में होता क्या है, ये जो सीएजी रिपीट्स होते हैं ये रिपीट्स नॉर्मली कितने प्रेजेंट होते हैं, 10 to 35, यानी कि नॉर्मल जो हंटिंगटिंग जीन होता है उसमें सीएजी रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं और कितने प्रेजेंट होते हैं, 10 to 35 तक रिपीट जनरली प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब ये रिपीट्स कितने हो जाए, मोर देन 35, यानी कि 35 से 36 या मोर देन ज्यादा हो जाते हैं, तब ये क्या कॉजेस कर देते हैं, हंटिंगटन डिसीजेस कॉज कर देते हैं। तो एक तरीके से अब ये क्या होगा कि जब ये रिपीट्स इंक्लूडेड हो रहे हैं तो जो प्रोटीन है कौन सा, हंटिंगटिंग, ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक तरीके से म्यूटेंट हो रहा है और क्या कॉजेस करता है, हंटिंगटन डिसीज कॉज करता है। तो ये हमने इसी में यही लिखा है कि इट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंस यानी कि एक तरीके से जेनेटिकल डिसीज है, जेनेटिकली क्या होती है, यानी कि पेरेंट टू नेक्स्ट जो जनरेशन होती है उसमें ट्रांसमिटेड होती है। और इसमें क्या होती है कि नॉर्मली जनरली क्या होते हैं, लॉन्ग पॉलीग्लूटामाइन रिपीट प्रेजेंट होते हैं, कितने तक प्रेजेंट होते हैं, 10 to 35 तक प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब यानी कि सीएजी रिपीट जो है अगर 35 से ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, जो हंटिंगटिंग जीन होते हैं उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय या म्यूटेंट कर देते हैं या उसकी क्या कर देते हैं, मिसफोल्डिंग कर देते हैं। तो ये हमारी कौन सी डिसीजेस हो गई, पार्किंसन एंड हंटिंगटन। अब हंटिंगटन डिसीज के बाद जब हम मोर इम्पोर्टेंट डिसीज की बात करते हैं, दीज आर द प्रियॉन डिसीजेस। इट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जनरली क्या है, हमारे प्रियॉन डिसीजेज है।
जनरल अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, प्रियॉन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, प्रियॉन प्रोटीन प्रेजेंट होती है इन अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रेन टिश्यू इन ऑन नॉर्मल मैमल्स, यानी कि ब्रेन में जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है, जो नॉर्मल न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, प्रियॉन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब देखो इसका भी क्या है, प्रियॉन प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है वो क्या फंक्शन करती है, इसका फंक्शन भी अननोन है। सेकेंड थिंग, और प्रियॉन डिसीज से जो भी अगर डिसीज जो कॉजेज हो रही है जैसे, तो इनका भी क्या है, एक तरीके से अगर ये डिसीजेस कॉज हो गई है तो इनका क्लिनिकली ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक इन पर ट्रीटमेंट जनरली नहीं प्रेजेंट है। तो किसकी बात करें हम, प्रियॉन डिसीजेस की। जो प्रियॉन है, प्रियॉन डिसीजेस किस में प्रेजेंट है कि जनरली प्रियॉन एक नॉर्मली क्या होती है, ह्यूमन बॉडी में जनरली प्रेजेंट प्रोटीन होती है। अब ये भी कैसे है, एक जेनेटिकल डिसीज है, प्रियॉन प्रोटीन्स के थ्रू जो डिसीज कॉजेज हो रही है ये भी कैसे है, जेनेटिकल वेरिएंट डिसीज है, यानी कि इसमें भी क्या होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, और म्यूटेशन की वजह से ही क्या होती है, ये जो प्रियॉन प्रोटीन्स होती है ये नॉर्मली जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है इन द PRPC के फॉर्म में, कि ये जो प्रियॉन प्रोटीन होती है वो जनरली किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है, PRP और PRPC। ठीक है, नॉर्मली प्रियॉन प्रोटीन जो होती है बॉडी में जो प्रेजेंट होती है रिकॉग्नाइज्ड अगर हम इसको करते हैं तो किसमें प्रेजेंट होती है, PRP या PRPC के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये म्यूटेंट हो जाती है तो ये किसमें आ जाते हैं, PRPSC के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें स्पेशली होता क्या है, तो ये जो प्रियॉन प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम जनरली अगर बात करते हैं, जो प्रिजिनम इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने ही इसका जो नेम वर्ड प्रियॉन जो ड्राइव किया था फ्रॉम द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स, जो प्रियॉन वर्ड डिस्क्राइब किया था वो किसमें से किया है, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स में। तो एक तरीके से अ प्रियॉन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन इन टू द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली, यानि कि प्रियॉन प्रोटीन क्या होती है कि नॉर्मली क्या करती है, जो कि मिसफोल्डेड जो प्रोटीन होती है उसको ट्रिगर करती है कि वो अबनॉर्मली फोल्डेड हो। ठीक है, तो ये एक म्यूटेशनल फॉर्म के थ्रू क्या होता है, जनरली कॉजेज होता है, म्यूटेशन के थ्रू क्या होती है, जो प्रियॉन प्रोटीन नॉर्मल जो प्रियॉन प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो म्यूटेशनल या मिसफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, द इलनेस अकर ओनली वेन द नॉर्मल सेल्यूलर PRP जो PRP है और PRPC अकर इन अल्टरनेटिव कन्फॉर्मेशन कॉल्ड PRPSC। यहाँ पर जो SC है वो किसको डिनोट करता है, स्कार्पी डिसीज एंड शीप में इसको फर्स्टली डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको जनरली क्या डिनोट किया जाता है, SC से डिनोट किया जाता है स्कार्पी के थ्रू। तो नॉर्मली क्या होती है, PRP या PRPC के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जब ये क्या हो जाती है, म्यूटेंट हो जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, PRPSC में। अब जनरली अगर हम बात करते हैं जो PRP होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, फीचर 2 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जब हम इसकी स्पेशलिटी की बात करते हैं प्रियॉन प्रोटीन्स की, नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन में क्या होती है ये मोरली किसकी बनी है, अल्फा हेलिकल्स में, यानी कि क्या होती है, 2 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो अगर जनरली अगर हम इसके कंपोजिशन में देखते हैं तो जब नॉर्मल PRP प्रोटीन होती है यानी कि प्रियॉन प्रोटीन होती है तो इसमें 50-60% तक तो क्या होते हैं, अल्फा हेलिक्स होंगे और 3-5% क्या होते हैं, बीटा प्लीटेड शीट होती है। नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन में क्या होते हैं कि 50-60% तो क्या होते हैं, अल्फा हेलिक्स होते हैं और 3-5% क्या होते हैं, बीटा प्लीटेड शीट होती है। जब ये क्या होती है, म्यूटेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है किसमें, PRPSC
एससी में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पीआरपी एससी में, तो इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। कंपोजिशन चेंज होने पर इसमें क्या आ जाती है, जो बीटा शीट है और जो अल्फा स्ट्रक्चर है वो रेशियो चेंज हो जाता है। बीटा प्लेटेड शीट इसमें 50-60% हो जाती है और अल्फा जो शीट का जो अल्फा हेलिकल जो रेशियो होता है वो 2-3% हो जाता है। अब देखो जनरली क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, बीटा प्लेटेड शीट में। तो ये बीटा प्लेटेड शीट में क्या करेगी, यहाँ पर फिर से क्या बन जाएंगे, एमेलॉइड फाइबर्स, यानी कि क्या बना लेंगे, बीटा प्लेटेड शीट से क्या बनाएंगे, ये एमेलॉइड्स बनाएंगे। और एमेलॉइड्स में क्या होंगे, ये आपस में कोरिलेटेड एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिएशन का प्रोसेस करेंगे और न्यूक्लिएशन के प्रोसेस के बाद ये क्या बना लेते हैं, एक तरीके से एमेलॉइड फाइबर्स बना लेते हैं और क्या करते हैं, डिसीजेस कॉज करते हैं। तो इस तरीके से जनरली किनके थ्रू, प्रियॉन डिसीजेस के थ्रू कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं। अब इनसे होता क्या है, ये जो प्रियॉन डिसीजेस होती हैं वो कहाँ अफेक्ट करती हैं, हमारी ब्रेन में जो डायनसेफेलॉन होती है, ठीक है, डायनसेफेलॉन में ये क्या कर देती है, पोरस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर देती है, क्या बना देती है, छोटे छोटे पोर्स बना देती है और पोरस स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या कर देती है, जनरली बॉन्डिंग स्पॉन्जियो एनसेफेलोपैथी की, जो ब्रेन की जो डायनसेफेलॉन होती है उसमें क्या होती है, स्पॉन्जी फॉर्म कर देती है, स्पॉन्जी फॉर्म स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देती है, यानी कि छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं और जो डायनसेफेलॉन होती है वो कैसी हो जाती है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर में हो जाती है। और स्पॉन्जी फॉर्म स्ट्रक्चर में होने की वजह से इसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, बॉइन स्पॉन्जी एनसेफेलोपैथी कहते हैं, यानी कि जब प्रियॉन प्रोटीन के थ्रू जो डिसीज होती है उनको हम क्या कह देते हैं, स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी कहते हैं। अब ये बहुत सारी डिसीजेस कॉज करते हैं, जो प्रियॉन प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी डिसीजेस क्रॉस करते हैं। जैसे अगर आप इनको कनेक्टिवली तो हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी एनसेफेलोपैथी कहते हैं, बट अलग अलग एनिमल में ये अलग अलग डिसीजेस कॉज करते हैं। जैसे अगर हम बहुत सारे डिसीजेस में एक एक लिख के बात करें, द बेस्ट नोन ऑफ दीज इज बॉर्न स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी। अगर हम इसकी बेस्ट नोन डिसीज की बात करते हैं जो कि किसमें होती है, शीप में या काऊ में, इसको हम बोलते हैं मैड काऊ डिसीज, ठीक है। ये किसमें हो रही है, काऊ या शीप में, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, बीएसई, बाउन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी, या इसी को हम क्या कह देते हैं, मैड काऊ डिसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर इससे रिलेटेड और डिसीजेस की बात करते हैं तो नेक्स्ट डिसीजेस जो आती है प्रियॉन प्रोटीन में म्यूटेशन के थ्रू, दैट इज अ क्रू डिसीज एंड द सिट्रीफील्ड्स जैकब डिसीज। ये कौन सी है, क्रू एंड सिट्रीफील्ड्स जैकब डिसीज, इट्स ऑल्सो रिलेट विद द प्रियॉन प्रोटीन म्यूटेशन, यानी कि प्रियॉन प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की वजह से ह्यूमन में ये डिसीज कॉजेस होती है। स्कार्पी डिसीज, जो कि हमने जनरली अभी बात करी कि डिस्कवर की गई थी शीप में, कोरोनिक वेस्टिंग डिसीज इन डियर, तो ये अलग अलग डिसीजेज हैं जो कि अलग अलग एनिमल्स में होती हैं और किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ प्रियॉन डिसीजेज। दीज डिसीजेज आर ऑल्सो रेफर टू एज स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी। इन डिसीजेज को हम जनरली क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी कहते हैं, बिकॉज दे डिसीज्ड ब्रेन फ्रिक्वेंटली बिकम रिडल विद द होल्स, यानी कि ये क्या कर देते हैं, जो ब्रेन है उसमें क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं या होल्स बना देते हैं। प्रोग्रेसिवली डिट्रोरेटेशन ऑफ द ब्रेन लीड्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब इससे क्या हो जाते हैं, जब ब्रेन में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल जो भी स्पेक्ट्रम होता है या न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम सिम्टम्स होते हैं वो जनरेट होने लग जाते हैं। अब इसमें जनरली अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एनिमल में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वेट लॉस हो सकता है, इरेटिक बिहेवियर हो सकता है, जो उनका नॉर्मल पोस्चर होता है एनिमल के नॉर्मल पोस्चर उसमें भी क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं वो किसमें क्रिएट हो जाती है, प्रियॉन प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसके कन्वर्जन से डिटेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो किससे रिलेटेड थे, हमारे प्रोटीन मिसफोल्डिंग से रिलेटेड थे। एक बार हम इनको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन से डिसीजेज देखी है।
देखो प्रोटीन में फोल्डिंग में सबसे फर्स्ट भी जो हमने डिस्कस की थी दैट इज द जो हमने जनरली बात करी थी कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग में होता क्या है, जब कोई प्रोटीन मिसफोल्डेड होती है तो वो एग्रीगेट बनाती है या उसका डिग्रीगेशन हो जाता है, और एग्रीगेट या डिग्रेडेशन से वो कहाँ जाती है या अल्टीमेटली वो क्या कर देती है, सेल की डेथ, या उसको क्या कर देती है, टिश्यू को डैमेज कर देती है और जो ऑर्गन है उस वो क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर हमने जो बात करी थी वो किस किस की बात करी थी, जैसे जनरली हमने क्या होता है कि जब डिसीजेस कॉज होती है तो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये क्या कर देती है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है ये आप जो कॉजेस करेगी वो क्या कर देगी कि जो स्ट्रक्चर होती है उनको पूरा का पूरा क्या कर देती है, चेंज कर देती है, मिसफोल्डेड कर देती है। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आगे मतलब कि मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।